बहुत से कपल्स मुझसे पूछते हैं मैम, ऐसे क्या कुछ पोजीशंस हैं जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी के लिए श्योर हो जाएं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी? क्या कुछ पोजीशंस में बिना कॉन्डम के भी प्रेगनेंसी के फियर से बचा जा सकता है? अगर आप भी चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो और आप सेक्स को अच्छे से इंजॉय कर सकें, ऐसी कौन सी पोजीशंस हैं, चलिए बात करेंगे। और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे कौन से तरीके हैं या पोजीशन है जिससे प्रेगनेंसी का खतरा बिल्कुल भी ना रहे और आप इंजॉय भी कर पाए, कॉन्डम भी यूज ना करना पड़े? चलिए बात करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। बहुत सारी और वीडियोस आपके डाउट्स से रिलेटेड मैं बनाती हूं। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। बहुत जल्दी बहुत अच्छा कंटेंट आप तक लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? आपका सपोर्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या ऐसी कोई पोजीशंस हैं जिससे आप बिना कॉन्डम के प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। हम इसका 100% गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है जो कि आपको प्रेगनेंसी से 100% सेफ कर सकती है। येट कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी काफी कम हो जाते हैं, जिसमें मैं टॉप मोस्ट पे रखती हूँ काउ गर्ल पोजीशन। ऐसी पोजीशन जिसमें वुमेन ऑन द टॉप होता है, ऐसे में अगर सेमेन रिलीज होता भी है तो वो वजाइना में डायरेक्टली और उस इंटेंसिटी से नहीं जा पाता, क्योंकि वेन वुमेन इज ऑन द टॉप तो वजाइना को जाने के लिए एक एंगल चाहिए और उस एंगल तक वो नहीं पहुंच पाता, और ऐसे में प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी काफी कम हो जाते हैं। मोरओवर ऐसा भी माना जाता है कि अगर ऐसा सेमेन डिस्चार्ज हो जाए अंदर और आपने कॉन्डम नहीं पहना है या फट गया है, तो इंस्टेंटली वॉश करने से और खड़े रहने से, मतलब लेटना नहीं है, रिलैक्स नहीं करना, अगर आप खड़े हो रहे हो और इंस्टेंटली जाके वॉश कर रहे हो या वॉशरूम कर रहे हो या बाथरूम कर रहे हो, तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि आपका जो कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी काफी कम हो जाती है। बट ऐसा कोई साइंटिफिक तथ्य या प्रूफ नहीं है। दूसरे नंबर पर रख सकते हैं अगर हम बात करें तो एनल सेक्स की जितनी भी पोजीशंस हैं उसमें अगर आप परफॉर्म कर भी रहे हैं या वैसी कोई पोजीशंस ले भी रहे हैं, तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। एनल सेक्स का प्रेगनेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए काफी कपल्स उसको पसंद करते हैं। मोरओवर उसमें प्लेजर की जो इंटेंसिटी है वो वजाइनल सेक्स की कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, प्लस पेन भी एड ऑन फैक्टर है। तो आप इस पोजीशंस को भी ले सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी अचीव हो। तीसरे नंबर पे रखती हूँ मैं स्टैंडिंग पोजीशन। अगर आप बहुत ज्यादा बेड पे लेट के रिलैक्स होके नहीं करना चाहते और आप किसी वॉल या किसी भी किसी पिलर के साथ लगकर या स्टेयर्स में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्योंकि जब स्टैंडिंग पोजिशन तो वह एंगल नहीं बनता है कि सेमेन वजाइना के डीपेस्ट वॉल के अंदर चला जाए, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस काफी काफी कम हो जाते हैं। बट एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपने रिलैक्स नहीं करना है होते ही और लेटना नहीं है, जस्ट गो टू द वॉशरूम, पी करो और काफी सारा पानी पियो, नीचे से अच्छे से थरोली वॉश करो, तो चांसेस कम हो सकते हैं। मोरओवर अगर आप पीरियड्स के दौरान भी सेक्स कर रहे हैं, हाई पीरियड जब हाई ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस नहीं होते। वो मेसी होता है लेकिन कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप पीरियड्स के बिल्कुल स्टार्टिंग या बिल्कुल एंड में नहीं कर रहे हो, तो मिड में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस काफी काफी कम होते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप सेक्स भी कर सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होगी। मोरओवर आप ओरल भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप इसे इंक्लूड करना चाहें, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल कम रहें। इसके अलावा मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कॉन्डम कोई भी दुश्मन नहीं है, कॉन्डम इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिससे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी दोनों से बचा जाता है। और आजकल तो कॉन्डम्स मल्टीपल तरीके से और मल्टीपल ब्रांड्स के मिलने लग गए हैं, जिससे आपके प्लेजर को बढ़ाया जा सकता है, पतले से पतले मिलने लग गए हैं। तो प्लीज़ कॉन्डम के इस्तेमाल को दुश्मन ना बनाएं और इसके एंटी ना हो जाएं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कॉन्डम के इस्तेमाल को डेफिनेटली इंक्लूड करें। मोरओवर ये पोजीशंस इसलिए बताई हैं क्योंकि लोग इसे सर्च करते हैं और जानना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप कुछ ऊट पटांग करें, बट आई ऑलवेज प्रेफर एज अ डॉक्टर दैट कॉन्डम यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ अगेंस्ट अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे और वीडियोज के लिए मुझे बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।